ओके, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक टेस्टिस। यदि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो टेस्टिस होता है ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओके, कह रहा है टेस्टिस जो होता है इट इज सिचुएटेड, ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। कह रहे जो टेस्टिस होता है ये कहां पे होता है, एब्डोमिन कैविटी के बाहर होता है और एक पाउच के अंदर होता है, यानी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। आइए देखें, कह रहे ये देखें, ये होता है कि ये हमारा मान लीजिए चेस्ट वाला पोर्शन है। ये क्या है, चेस्ट वाला पोर्शन है। जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ये स्टमक वाला पोर्शन है और इसे हम क्या कहते हैं, एब्डोमिन कैविटी कहते हैं। तो कह रहे जो टेस्टिस होता है वो कहां पे होता है, एब्डोमिन कैविटी के बाहर होता है। कहां पे होता है, एब्डोमिन कैविटी के बाहर होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, यानी एक पाउच होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर पाया जाता है और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। इसीलिए कह रहा है कि जो टेस्टिस होता है वो कहां पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। कहां पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है विद इन ए पाउच जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। अब स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम का काम क्या होता है, कह रहा है कि जो हमारा टेस्टिस है, हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने के लिए। यानी स्पर्म बनने के लिए हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए टेस्टिस क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है। इसलिए टेस्टिस क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है और इसमें हेल्प कौन करता है, स्क्रोटम हेल्प करता है। यानी स्क्रोटम क्या है, इट हेल्प्स, ये क्या करता है, हेल्प्स करता है इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है ऑफ द टेस्टिस, किसका, टेस्टिस का, कितना कम करने में हेल्प करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यानी जो हमारा नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, हमारा टेस्टिस का टेम्परेचर कम होना चाहिए। किसके लिए, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है कि अगर टेस्टिस की शेप की बात करें तो टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है। कैसा होता है, ओवल शेप होता है। अगर इसकी लेंथ जैसे एक अंडा मान लो, एक अंडा ये मान लो तुम्हारे के एक अंडा है, ये जो अंडा है ये तुम्हारा क्या, ओवल शेप है। ये क्या, ओवल शेप है। इस अंडे की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ लंबाई होगी और कुछ ना कुछ इसकी मोटाई भी होगी, थिकनेस भी होगी। तो कह रहा है कि इट इज ओवल शेप, ये कैसा होता है, ओवल शेप होता है। इसकी लेंथ की बात करें तो टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 centimeter, कितनी होती है, 4 to 5 centimeter होती है। और अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी होती है, 2 to 3 centimeter, यानी 2 to 3 centimeter इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। ओके, अब कह रहे जो हमारे टेस्टिस होता है उस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। ये देखिए ये क्या है, टेस्टिस है। अब इस टेस्टिस के अंदर क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होंगे। ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होंगे। ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स कहा जाता है। कह रहा है कि इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी 250 टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स होते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 250 हैं, तो पेयर हमारे अंदर कैसे होती है, पेयर के फॉर्म में टेस्टिस होती है। तो अगर आप बात करें कि किसी ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स कितने होंगे, तो कितने होंगे, 500, कितने होंगे, 500 होंगे। अब कह रही है जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, यानी ये जो टेस्टिकुलर लोक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, हाईली क्वाल्ड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है, हाईली इसके अंदर क्या होते हैं, हाईली क्वाल्ड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। किसी के अंदर एक होती है, किसी के अंदर दो ट्यूब्यूल्स होती हैं, किसी के अंदर क्या होते हैं, 3 ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो जो ये हाईली क्वाल्ड ट्यूब्यूल्स होती है इसे कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसे क्या कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो कह रहे हैं इन ईच टेस्टिकुलर लोक्यूल में क्या होगा, हाईली क्वाल्ड क्या होता है, ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। इस हाईली क्वाल्ड ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर है ये मिनिमम 1, अगर मिनिमम की बात करें तो ये मिनिमम 1 होगा
और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 3 होगा, यानी एक कंपार्टमेंट एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के सॉरी एक कंपार्टमेंट यानी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर मिनिमम कम से कम एक सेमी फ्रेश ट्यूबुल होगा, और बहुत ज्यादा होगा तो कितना होगा 3 होगा, यानी किसी किसी के अंदर एक होगा, किसी में 2 होगा, और किसी के अंदर क्या होगा 3 होगा। अब कह रहे हैं जो हमारे सेमी फ्रेश ट्यूबुल होती है, जो हमारी ये सेमी फ्रेश ट्यूबुल होती है, इसी फिनी सेमी फ्रेश ट्यूबुल के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होता है, सेमी फ्रेश ट्यूबुल के अंदर होता है, क्योंकि हमारा क्या टेस्टिकुलर लोक्यूल है, ये क्या टेस्टिकुलर लोक्यूल है, इस टेस्टिकुलर लोक्यूल के अंदर हमारा क्या है सेमी फ्रेश ट्यूबुल है। आइए एक सेमी फ्रेश ट्यूबुल को बाहर करें, जूम करके इसे देखें, मान लीजिए तुम्हारा क्या सेमी फ्रेश ट्यूबुल है। अब कह रहे हैं जो सेमी फ्रेश ट्यूबुल होती है इसकी इनर वॉल, इसकी जो इनर वॉल होती है यहाँ पे क्या होता है टू टाइप्स की सेल पाई जाती है, कितने टू टाइप्स की सेल पाई जाती है, कह रहे इस पे क्या होती है टू टाइप्स की सेल पाई जाती है, एक को कहा जाता है एक को, मान लो ये एक टाइप की सेल हो गई, ये क्या होगी दूसरे टाइप की सेल हो गई, एक को कहा जाता है मेल जर्म सेल, क्या कहा जाता है मेल जर्म सेल कहा जाता है, यानी स्पर्मेटोगोनिया, और इसी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होती है मियोसिस होती है, इसी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होती है मियोसिस होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या है तुम्हारी सर्टोली सेल है, ये क्या सर्टोली सेल है, कह रही है सर्टोली सेल जो होती है ये मेल जर्म सेल, जो मेल जर्म सेल होती है उसे क्या कहते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो जो स्पर्म का फॉर्मेशन यानी मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है टेस्टिस के अंदर होता है। अब टेस्टिस में बात करें तो कहाँ पर होता है सेमीफ्रेश ट्यूबुल के अंदर होता है। अब सेमीफ्रेश ट्यूबुल में बात करें कि किस सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो किस सेल से होता है मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया से होता है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है मियोसिस के थ्रू होता है, यानी मियोसिस होती है और किसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके इसके बाद स्टार्ट करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस and the lyric cell. Okay, bye, thank you.